नेहा जी, राजनीति की तरफ आप मुझे बार बार ठेलती हैं, मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जब बीजेपी के प्रवक्ता से बात हुई तो वो आज से 46 साल पहले ही अटके हुए वहीं फ्रीज हो गए हैं, 1975 इंदिरा गांधी इमरजेंसी। अरे भाई, दुनिया आगे बढ़ गई है, हमको उससे आगे निकलना है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमारे एक और बहुत अच्छे पैनलिस्ट ने कहा कि सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी तो भाषा बहुत परिष्कृत है, मध्य प्रदेश से आती हूँ, अच्छी भाषा में लिखती हूँ, सिर्फ ये है कि तीखा लिखती हूँ जिसमें भाषा की कोई कमी नहीं होती, ना कंटेंट में कोई गड़बड़ होती है, लेकिन फेसबुक पे मेरे जो उसकी पोस्ट होती है उसकी व्यूएबिलिटी कम हो जाती है उस पर्टिकुलर पोस्ट की, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो हेट पोस्ट है वो बहुत तेजी से चलते हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, राजनीति को अलग हटा के एक नागरिक के तरीके से भी बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह से जो मुंसिफ कौन है ये भी एक बात है कि आपका न्याय करने वाला कौन है, डिसाइड कौन करेगा। तो अगर डिसाइड करने वाला मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू वाला है तो वो अपने लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेगा। और जितने भी हमारे दूसरे लोग हैं जो लोग सरकार के की बहुत सारी चीजों को पसंद नहीं करते उनको लिखने नहीं देगा। तो ये इस तरह की बातें। और एक चीज, सरकार रोजगार तो दे नहीं पाई। बहुत सारे यूट्यूबर वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यंग लिख रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं और अच्छी भाषा में कर रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी नंबर वन। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है ना मैम, उनको डरने की जरूरत नहीं है ना। वही तो मैंने कहा कि सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मुनव्वर फारूकी का केस ले लीजिए, उस केस में क्या हुआ आप समझिए इस बात को कि उसने किसी तरह का प्रूव नहीं कर पाए वो आखिरी तक, लेकिन रहा ना वो व्यक्ति 25 दिन तक जेल में और वहां प्रताड़ना मिली ही होगी, वहां कोई तारीफ तो हो नहीं सकती उसकी। जो बता रही हूँ वो नागरिक बता रही हूँ, तो वहाँ कोई राजनीति नहीं थी। ये बात समझिए आप कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर नियत खराब है तो उस तरह से इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो आपको समझने की बात। ठीक है, अगर आप फिर राजनीति पे ही आकर रुकती हैं तो फिर मैं यही सवाल करूंगी आपसे कि मैम, जब आपकी सरकार थी तब आपने इस ओर क्यों नहीं कदम उठाए, तब आप साफ नियत से काम कर लेते तब क्यों नहीं किया साफ नियत से काम? मेरे ख्याल से कांग्रेस ने हमेशा देश में एक विपक्ष और सत्ता पक्ष के होने को हमेशा माना, उसे उखाड़ फेंकने की बात नहीं की, उनको जानी दुश्मनों की तरह नहीं देखा, उनसे हमेशा एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखी और इसीलिए मीडिया पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया था कांग्रेस की सरकार में। इसे भूलिएगा नहीं नेहा जी, और ये चीज सब कहते हैं जो नहीं। तो यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर है, अश्लीलता अगर परोसी जाती है तो क्या परोसने दे, अगर भड़काऊ कमेंट किए जाते हैं तो क्या करने दिया जाए, क्या हिंसा फैलाने की अगर कोशिश की जाती है तो करने दिया जाए क्या मैम? क्या आप ये कहेंगे आज अगर दिल्ली दंगा हुआ 26 जनवरी को तो वो क्या था, क्यों किया गया? टूल किट का मामला अगर सामने आया तो वो क्या था? अरे टूल किट क्या है आप बताइए थोड़ा, यहाँ पे बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं, आप बताइए टूल किट क्या है, आप क्या बोल रही हैं? और जिस तरह जो चीज पुलिस नहीं साबित कर पाई आप कर सकती हैं तो कर दीजिए सीसीटीवी डिबेट में, जो कह रही है उसे समझ के बोलिए। 26 जनवरी में भी जो साजिश हुई उसको अलग, क्या समझ के बोलना है आप बताइए मुझे, क्या समझ के बोलना है बताइए। मैं ये कह रही हूँ, मैं आप बताइए की तरह 26 जनवरी के उस इवेंट पर मैं थी, उस जगह पर मैं थी, मैंने ट्रैक्टर चलाया, मेरे वीडियो को जिसमें मैंने सच बताया 16 लाख लोगों ने छोटे से चैनल से देखा जो मेरा अपना चैनल है। तो आप समझिए कि इंसान सच्चाई चाहता है। नहीं, क्या था टूल किट का मामला आप पहले बता दीजिए, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं, बता दीजिए टूल किट का मामला क्या था, आपकी नजर से क्या था? देखिए टूल किट वो भी है जो अमित शाह एक उसमें बोल रहे थे कि थोड़ा डराइए, थोड़ा धमकाइए, थोड़ा सा मजाक लाइए, उसमें पप्पू कैंपेन भी चल गया। तो मेरा ये कहना है कि वो भी टूल किट है। क्यों उसमें पप्पू कैंपेन चल गया, इससे आप लोगों को दिक्कत है क्या? किस चीज से दिक्कत है आप लोगों को बताइए ना, अगर आप मुझे चैलेंज कर रही हो तो आप बता दीजिए टूल किट का मामला क्या था। नेहा जी मैं बताता हूँ आपको, मैं